नमस्ते दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स आपकी यूट्यूब चैनल ग्रीन टिप्स एंड एडवाइस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे निफ्टी ट्रेंड, निफ्टी आउटलुक, निफ्टी फ्यूचर बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, स्टॉप लॉस, टारगेट, उस बारे में डिस्कस करेंगे। अगले दिन हम निफ्टी फ्यूचर में कौन से लेवल पर बाइंग पोजिशन बना सकते हैं और कौन से लेवल पर सेलिंग पोजिशन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ, एजुकेशन पर्पज़ वीडियो बनाता हूँ, और जो भी टेक्निकली आउटलुक, जो भी लेवल मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, ये मेरी खुद की रिसर्च है। अगर आप लोग टेट करते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी के हिसाब से टेट कीजिए, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता मेरी रिसर्च पर टेट करने के लिए। हाँ, आप लोग बैक टेस्ट कीजिए, उसको कुछ दिन तक पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद रियल मनी से टेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, बात कर लेते हैं निफ्टी फ्यूचर ट्रेंड लेवल। देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी के बारे में अगर हम बात करें वन डे चार्ट के हिसाब से, वन डे चार्ट, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर डेली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें समारी, अभी निफ्टी फ्यूचर जो है 10,000, निफ्टी जो क्लोज हुआ है 10,692 में क्लोज हुआ है, 10,692 पे क्लोज हुआ है। और अभी जो मैं ये आप लोगों के सामने आउटलुक पेश कर रहा हूँ, ये है निफ्टी आउटलुक, ठीक है। उसके बाद हम निफ्टी फ्यूचर देखेंगे। निफ्टी आउटलुक, निफ्टी आउटलुक में अगर हम समारी के बारे में बात करें तो देखिए, समारी स्ट्रॉन्ग बाई है, मूविंग एवरेज के हिसाब से अभी बाइंग पोजीशन पे है, और बाइंग टाइम 12 टाइम है, और टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से स्ट्रॉन्ग बाई पे है, और बाई टाइम 8 है। तो टोटल मूविंग एवरेज और टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से 19 टाइम बाइंग पोजिशन पर है, और सेलिंग लेवल जो है 0 है, यानी स्ट्रॉन्गली बाइंग पोजिशन पर है। अब हम इसमें क्लासिक फिबोनाची, कैमरेलिया, ओडेस और डीमार्क्स का जो पीवोट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैमरेलिया हिसाब से। कैमरेलिया के हिसाब से पीवोट पॉइंट से कल के हिसाब से, यानी डेली के हिसाब से 10,601.95, यानी निफ्टी अभी पीवोट पॉइंट के काफ़ी ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, 90 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इसका रेजिस्टेंस वन लेवल था 10,624, जिसको ब्रेकआउट कर चुके हैं, 10,630 उसको भी ब्रेकआउट कर चुका है, और रेजिस्टेंस थ्री 10,636। इसका मतलब डेली चार्ट के हिसाब से निफ्टी अभी रेजिस्टेंस थ्री को भी ब्रेकआउट कर चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसका मतलब क्या है, अभी निफ्टी स्ट्रांगली बाइंग पोजिशन पर है। नेक्स्ट हम बाकी सारे इंडिकेटर देख लेते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर। RSI 14 के हिसाब से उसका वैल्यू है 67.766, और एक्शन है बाय। स्टोकास्टिक 96 पीरियड के हिसाब से ओवरबोट पे, यानी कभी भी गिर सकते हैं। स्टोकास्टिक RSI 14 के हिसाब से ओवरबोट, ये भी कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि उसका लेवल जो है 100 पे है, और स्टोकास्टिक है 84.467। MACD 12 डेज एंड 26 डेज के हिसाब से बाइंग पोजिशन पे है। ADX बाइंग पोजिशन, विलियम परसेंटेज ओवरबोट। कमोडिटी चैनल इंडेक्स 14 डेज के हिसाब से बाई, ATR 14 डेज के हिसाब से लेस वोलेटिलिटी, हाई लोस 14 के हिसाब से बाई, अल्टीमेट ऑसिलेटर बाई, ROC बाई, एंड बुल बियर पावर 13 डेज के हिसाब से बाई। तो कुल मिला के बाइंग टाइम जो है वो 8, सेलिंग लेवल 0 एंड न्यूट्रल 0। तो समरी हो गया स्ट्रॉन्ग बाई, यानी निफ्टी जो है, निफ्टी अभी स्ट्रांगली बाइंग पोजिशन पे है, निफ्टी अपट्रेंड में है, और अपट्रेंड में जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब हम देख लेंगे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज 5 डे के हिसाब से अभी 615 है, और 10 डेज के हिसाब से 10,581, 20 डेज के हिसाब से 10,459, 50 डेज के हिसाब से 10,375, एंड 100 डेज के हिसाब से 10,471, एंड 200 डेज के हिसाब से 10,265। उसका मतलब निफ्टी अभी सिर्फ 200 नहीं, 5 डे मूविंग एवरेज, यानी सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर अभी चल रहा है, और स्ट्रांगली बाइंग पोजीशन पे है, और नीचे हमें 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज स्ट्रांग सपोर्ट दे रहा है। तो कुल मिला के जो है समारी बाई, 12 टाइम समारी बाई, ओके फ्रेंड्स। अब हम देख लेंगे निफ्टी फ्यूचर। तो निफ्टी अगर स्ट्रांग बाइंग पोजिशन पर है, निफ्टी का ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है, तो निफ्टी फ्यूचर भी बाइंग पोजिशन पर रहेगी, उस हिसाब से हम निफ्टी फ्यूचर का ट्रेंड देख लेंगे। चलिए अब हम निफ्टी फ्यूचर देख लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर जो है फ्रेंड्स, देखिए
निफ्टी 18 में फ्यूचर 1 घंटे चार्ट के हिसाब से निफ्टी अभी अप ट्रेंड में है और उसका रेजिस्टेंस लेवल जो हम यहाँ पर दिखाई दे रहा है अभी क्लोज हुआ है 10,692 पे और उसका रेजिस्टेंस जो है 10,909 को अगर ये पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हैं तो काफ़ी ऊपर की तरफ हमें एक उछाल देख सकते हैं निफ्टी और फ्यूचर में। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है 10,682 वन आवर चार्ट के हिसाब से। तो हमने निफ्टी देख लिया वो डेली चार्ट के हिसाब से और अब हम निफ्टी फ्यूचर देख रहे हैं वन आवर चार्ट के हिसाब से हमें सपोर्ट मिल रहा है 10,682 और रेजिस्टेंस मिल रहा है 10,909। अगर 10,909 को अगर पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर की तरफ हम एक उछाल देख सकते हैं और नीचे की तरफ अगर 10,682 को ब्रेक डाउन करते हैं तो हम नीचे की तरफ एक सेलिंग पोजिशन देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेकिन निफ्टी फ्यूचर क्लोज हुआ है 10,723 पे क्लोज हुआ है और RSI भी फ्रेंड्स अभी 76.92 लेवल पे है। निफ्टी फ्यूचर और अभी ये बाइंग पोजीशन पे है। चलिए उसका हम बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल देख लेते हैं निफ्टी फ्यूचर का, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, उसका बाइंग लेवल रहेगा निफ्टी फ्यूचर का 10,746। निफ्टी क्लोज हुआ है 10,723 पे, लेकिन जब ये 10,746 में ब्रेकआउट करेगा तब हम बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 10,653। फर्स्ट बाय टारगेट रहेगा 10,763 और सिक्स टारगेट रहेगा 10,923। सेलिंग लेवल रहेगा 10,637 और स्टॉप लॉस रहेगा 10,730। फर्स्ट टारगेट रहेगा 10,620 और सिक्स टारगेट रहेगा 10,460। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगा डेली, जैसे मैं दो स्टॉक के बारे में जानकारी आप लोगों को देता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक टिप्स फॉर टुमारो, तो मैं निफ्टी फ्यूचर का भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को फॉलो करते रहिए और मेरी व्हाट्सअप नंबर है 9862544240। आप लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं, अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो ऐड भी हो सकते हैं, मैं ऐड कर दूंगा। इसके लिए आप लोगों को कमेंट्स करना है क्योंकि मैंने वीडियो कमेंट्स डिसेबल करके रखी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना सा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।